नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की महसी तहसील में दहशत का सबब बने आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए न जाने क्या क्या किया गया। हर वो तरकीब अपनाई गई जो कारगर साबित हो सकती थी, मगर अफसोस है नहीं हो पाई। प्रशासन और वन विभाग आखिरी भेड़िए को पकड़ने में नाकामयाब रहा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। अब शासन और वन विभाग ने कुछ ऐसा सोचा है जो आपको हैरान कर देगा, मगर कारगर जरूर साबित होगा। दरअसल वन विभाग अब मादा भेड़िए के चीखने और रोने की प्री रिकॉर्डेड आवाज छोटे लाउड स्पीकर पर बजा रहा है। वन विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि चालाक आदमखोर भेड़िया मादा भेड़िए के चीख और रोना सुनकर आकर्षित होकर वन अधिकारियों द्वारा लगाए जाल की तरफ खिंचा चलाएगा और जाल में फंस जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद बहराइच के महसी इलाके में आतंक मचाने वाले छठे नरभक्षी भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार नए नए प्रयोग कर रहा है। इस नरभक्षी भेड़िए ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिससे इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। विभाग ने इसे पकड़ने के लिए पहले पिंजरे में गुड़िया रखकर उसे लुभाने की कोशिश की, फिर गन्ने के खेतों में इंसानी मलमूत्र छिड़क कर भेड़िए को घेरने का प्रयास किया। इसके बावजूद ये चालाक भेड़िया विभाग की पकड़ से दूर होता जा रहा है। अब वन विभाग ने एक नई तकनीक का सहारा लिया है। इस बार विभाग ने भेड़िए को लुभाने के लिए स्पीकर के जरिए मादा भेड़िए की आवाज सुनाने का फैसला किया है। विभाग का मानना है कि मादा की आवाज सुनकर नर भेड़िया पिंजरे की ओर आकर्षित होगा और उसे पकड़ने में आसानी होगी। गौरतलब है कि 10 दिसंबर को पांचवा नरभक्षी भेड़िया पिंजरे में कैद किया गया था, लेकिन छठा भेड़िया अब भी पकड़ा नहीं गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में वन विभाग को सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि भेड़िए को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में रात भर हाका लगाया जा रहा है और जल्द ही इसे कैद करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सर, आज 62 दिन हो गए हैं, सर्च अभियान लगातार जारी है, छठा भेड़िया अभी भी पकड़ से दूर है, क्या उम्मीद किया जाए, कब तक पकड़ जाएगा? देखिए, अगर जहाँ उसका मूल स्थान था वो भी वहाँ पानी भरा था, अब तक अब थोड़ा बहुत पानी नीचे उतरा है तो वहाँ धसान बहुत अधिक है। अगर वो 3-4 दिनों में अगर धूप रही, धूप जैसे कल भी धूप निकला था, आज भी धूप निकला है, तो 3 दिनों में अगर वो स्थान सूखता है तो हमने देखा पगमार्क मिला है, वो आने प्रयास किया है उसने 2 दिन पहले, तो वो आने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब कि सूखने का वेट कर रहा है, सूखेगा तो आएगा। और अभी वो कहाँ है, वो लगातार इधर उधर भटक रहा है, उसको ढूंढना थोड़ा सा कठिन है, हो सकता है हमारी रेंज के बाहर कहीं निकल गया हो, या मतलब अनिश्चितता है। तो आएगा, वहाँ जरूर आएगा, प्रयास कर रहा है, इसका मतलब वहाँ आना चाहता है, अपना घर छोड़ेगा नहीं, तो जब वहाँ आएगा तो वहाँ हम पकड़ लेंगे उसको। अच्छा, वन विभाग ये दावा कर रहा है कि सिर्फ एक भेड़िया बाकी रह गया जो नरभक्षी है, जबकि तमाम लोग जो है कहीं गन्ने के खेत में दौड़ रहे हैं, कहीं धान के खेत में दौड़ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये भेड़िया जा रहा है, क्या लगता है कि कहीं अफवाहों का बाजार गर्म तो नहीं हो रहा है? देखिए, लोग अफवाहों का बाजार क्या, देखिए लोगों के अंदर पहचान नहीं है, लोग यहाँ पर बहुत बहराइच के लोग बड़े सरल हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत ही मतलब उनका, हम तो जाते हैं, हमारा थकान देख कर लोग कहते हैं कि आओ साहब चाय पी लो, साहब दी रोटी खा लो, इस तरीके से लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये जो अफवाह क्या है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, भेड़ियों के द्वारा इतनी घटनाएं की जा चुकी हैं कि इसमें लोग क्या है, लोग भी थोड़ा सा डर तो ही है, तो इसके पीछे लोग नहीं हैं बल्कि जो घटनाएं घटित हुई उसके कारण लोग इस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि जब इतनी घटनाएं हुई तो उनको लगता है कि भेड़िया ही है, जबकि यहाँ लोगों को पहचान, वास्तविकता ये है कि हम गए हैं, लोगों को उतनी बढ़िया पहचान नहीं है, वो झूठ नहीं बोलना चाहते, वो सत्य बताना चाहते, वो अपनी आप बीती बताना चाहते हैं। अच्छा, ये मादा भेड़िया की आवाज़ की क्या तकनीकी है, मतलब ये क्या वजह है कि ये आवाज़ निकाली जा रही है, इसे क्या किया जाएगा? हाँ, वो आवाज़ इसलिए निकाली जा रही है कि अगर आसपास होगा तो उसको लगेगा, हो सकता है जो छठा भेड़िया उसको लगेगा कोई साथी की तलाश में, साथी ढूंढ रहा है अपना कि कहाँ गए साथी, तो आवाज़ आएगी, हो सकता है वो सोचे कि लगता है उनका साथी कहीं से जो बिछड़ा था वो आ गया, तो उसी चक्कर में वो भी आवे मिलने के लिए आवे, तो जहाँ पर आवाज़ निकाली जा रही है वहाँ हमारा पहले से सिस्टम पकड़ने वाला
हम वहाँ लगा के रखते हैं, तो फिर इसी इंतजार में कि वो आएगा और फिर हमारे सिस्टम में फंसेगा। लेकिन जब बहुत दूर होगा वहाँ से कि उसकी आवाज़, उसके पास आवाज़ ही ना जा पाए, तो फिर वो नहीं आ पाएगा। तो जब तक उसका क्लियर पता ना हो कि वहाँ रह रहा है, तब तक हम बहुत इसको, ये बहुत कारगर नहीं है। लेकिन अगर एक प्रयास, संजोग है, एक प्रयास है, तो छोटा प्रयास भी हम करने, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, ये अल्फा सरदार और ये लंगड़ा, ये कॉन्सेप्ट सर क्या है? देखिए, सरदार अल्फा इस चीज़ को डिसाइड करना इतना आसान नहीं है। अब तो अकेला है, अकेला है तो वो अकेला है तो सरदारे है, और लंगड़ा तो है नहीं कोई, कि यहाँ कोई भेड़िया लंगड़ा नहीं दिखा। तो सरदार और अल्फा ये आप कह सकते हैं कि पर्यायवाची हैं, एक ही चीज़ है। वही अल्फा ही, जो सरदार होता है उसी को अल्फा ही बोलते हैं। तो लंगड़ा नहीं है, और अकेला है, तो अब सरदार और अल्फा की बात ही ख़त्म। सर कब तक उम्मीद करें कि ये पकड़ जाएगा? सर आखिरी सवाल, पानी जो है सड़क गया है, धसाना भी है, धूप निकली है, दो दिन से निकल रही है, सूखेगा वहाँ, ज़मीन कड़ी होगी, तो वो आने का प्रयास वो कर रहा है, ऐसा हमारे पास सबूत हैं। वो आएगा या फिर पकड़ा जाएगा। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। देखा जाए तो इससे पूर्व भेड़िए को पकड़ने के लिए हाथी का मल, बच्चों के पेशाब से भीगी टेडी डॉल्स, पटाखे और थर्मल ड्रोन इत्यादि का इस्तेमाल वन विभाग कर चुका है, मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसे में ये नया प्रयोग कामयाब होता है या नहीं, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।